अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस होराइज़न में खुश आमदीद। मैं हूँ शबील हसन आब्दी और मेरा साथ देंगे वसीम नकवी। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज मार्केट की सूरत हाल ये है कि इस वक्त करंट स्टेटस के एस&पी 100 इंडेक्स का है, चेंज हमें नज़र आ रहा है -7 पॉइंट्स का। -7 पॉइंट्स के साथ मार्केट जो है वो इस वक्त 12,249 के ऊपर ट्रेड कर रही है। और आज का जो हाईएस्ट नाज़रीन रहा है वो 12,316 है, और आज का जो सबसे लो लेवल रहा है वो 12,218 जो है वो हमें नज़र आ रहा है। 45 पॉइंट्स की जो है वो हमें करेक्शन इस वक्त मार्केट में नज़र आ रही है। चूंकि मार्केट इस वक्त नए साल के हाईएस्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो इस और 12,000 का जो है वो एक जो नफसियाती हद थी वो मार्केट ने अबूर की है। तो इस हवाले से मार्केट में जो है वो करेक्शन जो है वो हमें नज़र आ रही है, और ये करेक्शन जो है वो मार्केट के लिए हेल्दी है क्योंकि हाईएस्ट लेवल पर मार्केट जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रही है। एक्सचेंज स्टेटस अगर आज का नाज़रीन उसके ऊपर नज़र डालें तो टोटल 323 कंपनीज हैं जिनके शेयर्स में काम हुआ है, और टोटल जो 163 कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें इजाफा देखा गया है, 138 कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है, 23 कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। इस वक्त करंट स्टेटस ये है कि ताज़ा तरीन मार्केट 13 पॉइंट्स माइनस के साथ जो है वो ट्रेड कर रही है 12,249 के ऊपर के एस&पी 100 इंडेक्स की। ये सूरत हाल थी। और वसीम, करेक्शन जो है वो हमें मार्केट में नजर आ रही है, इस हवाले से मार्केट में आज के जो हमारे वॉल्यूम लीडर्स हैं उस हवाले से जो है वो कुछ बताएं। शबी, मैं आपको बताऊं कि वॉल्यूम लीडर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले फौजी सीमेंट है, उसके बाद एस के नाइन है, जागर सिद्दीक कंपनी है, उसके बाद लेफेज पाकिस्तान है, DTK सीमेंट है। ये 5 ऐसी कंपनीज थी जो अभी जो है जिनके वॉल्यूम लीडर्स जो हैं ये रखते हैं, ये वो कंपनीज हैं जिनके वॉल्यूम लीडर्स अभी लीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और नाज़रीन ऐसे जो है वो वसीम हम शेयर कर लें अपनी ताज़ा तरीन आज की न्यूज़ अपडेट्स भी। आज की पहली न्यूज़ अपडेट वसीम हमारे पास है कि SECP के चेयरमैन मोहम्मद अली के मुताबिक कैपिटल गेन टैक्स की जो असलाहत के बायस स्टॉक मार्केट में गैर कानूनी दौलत को पार्क नहीं किया जाएगा, और CGT के जरिए जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके निज़ाम को फरोग मिलेगा। दूसरी अपडेट हमारे पास वसीम इस हवाले से क्या है? दूसरी अपडेट सभी ये है कि SECP 3 मिलियन SME के लिए छोटी छोटी स्टॉक एक्सचेंज काम करने की तजावीज पर भी गौर कर रही है। जी बिल्कुल। और तीसरी अपडेट हमारे पास जो है वो पाकिस्तान और रूस के माबेन जो तजारत और तवानाई के शोबे में बाहमी तआवुन को बढ़ाने के लिए माहदे पर दस्तखत हुए हैं, ये हमारे पास तीसरी और अहम अपडेट है, और इस हवाले से जो है वो। और बिल्कुल शबी, अगर चौथी अपडेट्स की बात करें तो बैनुल अक्वामी कमोडिटी मार्केट में सोने की कीमत इस्तेहकाम नजर आ रहा है इसकी कीमत में, क्योंकि तवक्को की जा रही थी कि यूनान डिफॉल्ट से बचने के लिए दूसरा बेल आउट पैकेज मंजूर कर लेगा। ये चौथी अपडेट थी नाज़रीन। बिल्कुल। और पांचवी अपडेट हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें कि बैनुल अक्वामी कमोडिटी मार्केट में तेल की कीमत में बेहतरी देखी जा रही है, जिसकी हम वजूहात में US की कम जो इन्वेंट्री यूनान का बेल आउट पैकेज पर रजामंद होने का इम्कान और ईरान और मगरबी ममालिक की कशीदगी भी शामिल हैं। तो ये तो थी आज की न्यूज अपडेट्स जो कि हमने नाज़रीन के साथ शेयर की। आज का पिवट एनालिसिस वसीम क्या है? शबी, अगर आज के पिवट एनालिसिस की बात की जाए तो वो 12,302 है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो देखने में आया 12,365 पर था। दूसरे की बात करें तो 12,470, और तीसरा रेजिस्टेंस लेवल जो था वो 12,533 पर था। जी बिल्कुल। और इसी हवाले से अगर तो सपोर्ट लेवल देखें तो सपोर्ट लेवल जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल हमारे पास है वो 12,199 है, दूसरा सपोर्ट लेवल 12,135 है, और तीसरा सपोर्ट लेवल जो है वो 12,032, ये हमारा आज का जो है वो तीसरा सपोर्ट लेवल है। तो ये टेक्निकल लेवल्स थे जो कि हमने जो है वो नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं। जी वसीम, पिवट एनालिसिस भी हमने अपने नाज़रीन को दिया। वक्त हो जाते हैं नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।